आज के पॉलिटिकल किस्से में हम बात करेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत की, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ऐसे मुख्यमंत्री जो चाय नाश्ते का पैसा भी अपनी जेब से भरते थे। पहाड़ की सीधी साधी जिंदगी से उतरकर यूपी की घाक सियासत में आना और फिर छा जाना कोई आम बात नहीं था। अल्मोड़ा में जन्मे गोविंद बल्लभ पंत मूल रूप से मराठी थे। घर वाले प्यार से इन्हें थपुआ कहते थे। वजह ये कि बचपन में ये बेहद मोटे थे और बच्चों के साथ खेलने के बजाय एक ही जगह बैठे रहते थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की व्यक्तिगत जिंदगी और उनका राजनीतिक कैरियर बड़ा रोचक और दिलचस्प है। यही नहीं, पंडित जी का राजनीति में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल राजनीति में आने से पहले गोविंद बल्लभ पंत वकालत किया करते थे। एक दिन वह चैम्बर से गिरिताल घूमने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दो लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह सुन पंत ने उन युवकों से पूछा कि क्या यहां पर भी देश समाज को लेकर बहस होती है। इस पर उन युवकों ने कहा कि यहां बस नेतृत्व की ज़रूरत है। बस उसी समय से पंत ने वकालत छोड़ राजनीति में आने का मन बना लिया। 1921 में गोविंद बल्लभ पंत सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। उस वक्त उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और अवध होता था। 1932 में पंत एक्सीडेंटली पंडित नेहरू के साथ बरेली और देहरादून जेलों में बंद रहे। उस दौरान ही पंडित नेहरू से इनकी यारी हो गई। नेहरू इनसे बेहद प्रभावित थे। जब कांग्रेस ने 1937 में सरकार बनाने का फैसला किया तो बहुत सारे लोगों के बीच से पंत का ही नाम नेहरू के दिमाग में आया था। नेहरू का पंत पर भरोसा आखिर तक बना रहा। 1955 से 1961 के बीच पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्र सरकार में गृहमंत्री रहे। गृहमंत्री रहने के दौरान उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। उस वक्त ये आशंका जताई जाती रही थी कि ये देश की एकता के लिए घातक हो सकता है, मगर हुआ ठीक इसके उलट। हालांकि अगर पंत जी को सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ही। 1957 में इनको भारत रत्न मिला। उनके मुख्यमंत्रित्व काल की एक बड़ी रोचक घटना है। एक बार पंत जी सरकारी बैठक कर रहे थे। जाहिर सी बात थी कि जब मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रहे हों तो उसमें चाय नाश्ते का इंतज़ाम होना लाजमी था। मगर बैठक के बाद जब चाय नाश्ते का बिल पास उनके पास आया तो उन्होंने बिल पास करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का ही नियम है, ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता करवाने वाले व्यक्ति को खुद देना होगा। हाँ, चाय का बिल ज़रूर पास हो सकता है, नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाज़त कतई नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। यह सुनकर सभी अधिकारी चुप हो गए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पढ़ने में बेहद होशियार थे, मगर 10 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 14 साल की उम्र में ही पंत जी को हार्ट अटैक आ गया था। खैर, पंत जी के व्यक्तित्व का किस्सा बेहद लंबा और बहुत रोचक और दिलचस्प है, मगर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।